नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में 12वीं क्लास की फिजिक्स से जुड़ा हूँ। तो अपने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ रहे थे आवेश के बारे में, और इसके बाद में जो आपका नया टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ। यानी अभी तक अपने कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ बेसिक्स जो थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, पर अब जो अपने पढ़ने वाले हैं कुछ एक कैलकुलेशन जो है उसके टॉपिक भी आपके शुरू हो जाएंगे। आज अपने जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम और इसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम, और इसको कूलाम भी बोलते हैं या कूलाम भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम अपने को क्या बताता है। कूलाम का नियम अपने को बताता है कि दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेश इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। यानी स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेश जो है उनके मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में ये नियम बताता है। तो देखिए ये नियम क्या बताता है। कूलाम का नियम बताता है कि किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे अपने पास में एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के F क्या होगा, समानुपाती होगा। यह F बल है, ये समानुपाती का निशान है, ये Q1 और Q2 है। तो F जो किसके समानुपाती है, Q1 और Q2 के समानुपाती है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट शर्त आ जाती है वो आ जाती है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा, यदि आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो, स्मॉल r, तो अपने लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती हो गया और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दोनों समीकरणों को यदि हमें एक साथ लिखें तो अपने पास में बनता है एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो आपको पता है कि जब भी समानुपाती हटाया जाता है तो उसकी जगह क्या जाता है, एक बराबर का निशान आ जाता है। और साथ में अपने क्या कर देते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। तो यहां के क्या एक समानुपाती नियतांक है, यहां क्या, यहां जो के लिखा है ये क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। यदि के की बात की जाए तो के का मान जो अपने निर्वात में लिखते हैं वो लिखते हैं 9×10^9 मात्र के, अभी अपने बात करेंगे। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे अपने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एफ इक्वल 1/4π0 Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी के की जगह आपने क्या लिख दिया, के की जगह आपने लिख दिया है 1/4π0 एप्साइलन जीरो या एप्साइलन नोट अपने इसे बोलते हैं एप्साइलन। ठीक है, ये क्या है एप्साइलन, एप्साइलन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसकी बात कर रहा हूं, इसे हम लिखते हैं एप्साइलन, और इसे आप जीरो बोल सकते हैं या नोट बोल सकते हो। तो ये अपने क्या है, के इक्वल 1/4π एप्साइलन जीरो है। ठीक है, यदि हम बात करें एप्साइलन जीरो की, तो एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, ये निर्वात में विद्युतशीलता होती है। ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, या आप इसे बोलते हैं निर्वात की पारगम्यता। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि एप्सिलॉन जीरो के मान की बात की जाए, ये होता है 8.854×10^-12।
ठीक है। तो अपने k का मान कितना लिख दिया, k को तो अपने लिख दिया, ये भी लिख देता हूँ, 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ लिख दिया 8.854 गुणा 10 की पावर माइनस 12। देखो आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा है, वहां आप लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, बिल्कुल उसी के जैसा ये नियम है। वहां भी क्या हो रहा था, एफ जो है समानुपाती था, पर Q1 Q2 की जो है वह क्या था, M1 और M2 था, यहाँ दूरी R की जो है R ही थी, यहाँ जो K लिखा है इसकी जो है क्या था, कैपिटल G था, जिसे अपने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। यहाँ उसके मान में क्या था, फर्क था 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 था वो, परंतु यहाँ कितना है 8.854 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, चैलेंज जीरो, ये डिपेंड करता है माध्यम पर, ये किस पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपने इसके अंदर माध्यम भर रखा है। तो ये के जो है, ये 7.0 जो है, ये नियतांक जो है, इन सब की जो है नए नए मान जो वो आते जाएंगे, जिस भी माध्यम के अंदर कैसे रखेंगे उस माध्यम का जो विद्युतशीलता है उसकी विद्युतशीलता जो है वो इनकी जो है लिख दी जाती है। आगे मैंने आपको ये बताया कि इसके मात्रक की अपने बात कर लेते हैं कि यहाँ इसका मात्रक क्या आएगा और इसके साथ में भी मात्रक क्या आने वाला है। तो देखो मात्रक की जब भी अपने बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मात्रक को याद रखो, यहाँ देखो निकाल सकते हो आप मात्रक को, यहाँ लिखा है एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने किसका मात्रक निकालना है, के का निकालना है, तो के किसके इक्वल आएगा, ये आएगा एफ आर स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा Q1 और Q2 आएगा एफ, बल है, बल का मात्रक सभी को पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, आर क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, Q1 और Q2 ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कल मैंने आपको बताया था कूलाम होता है, तो यह क्या आएगा कूलाम की स्क्वायर। तो के का यदि अपने मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग चाहो तो एप्सिलॉन 0 की युवा जो है वो भी निकाल सकते हो और एप्सिलॉन 0 का मात्रक भी आप लोग लिख सकते हो कि एप्सिलॉन 0 जो है उसका मात्रक क्या आने वाला है। तो देखो एप्सिलॉन 0 का जब अपने मात्रक निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, 1/4π εϵ0, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/4π εϵ0 Q1 Q2 r2। तो अपने εϵ0 के इस साइड ले आएंगे εϵ0 और ये आएगा Q1 Q2 4π r2 और f, ये आप लोग देख सकते हो ये जो नियतांक है 4 और पाई की जगह अपने 22/7 लिख देंगे, तो ये ह्यूमन और मात्र की राशि है। यहां देखो ऊपर की साइड लिखा हुआ है Q1 Q2 और इसका मात्र क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, दो बार है तो क्या आ जाएगी इसकी स्क्वायर आ जाएगी, अपॉन में क्या लिखा हुआ है r2, इसका मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर और f की जगह क्या आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा। तो εϵ0 का यदि मात्रक लिखना हो तो अपने ये लिखेंगे कूलाम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर न्यूटन, और यदि k का लिखना हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो तो इसे सीधा याद रख सकते हो या फिर सीधा ये इसे भी निकल जाएगा, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको सीधा दिख रहा है कि इस तरफ क्या लिखा है, न्यूटन लिखा हुआ है, दूरी इस साइड आ गई तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा जो अपने ये बना रखा है, और अपॉन में क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो क्या आ जाएगा कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ आप लोग देख सकते हो εϵ0 यदि इस साइड आएगा इस साइड आ जाएगा, ये दो बार आ रहा है तो कूलाम स्क्वायर ऊपर आएगा नीचे मीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा न्यूटन आएगा। तो इस प्रकार से अपने εϵ0 जो है उसके मात्रक को लिख सकते हैं। तो ये के का मात्रक हो गया और ये εϵ0 का मात्रक हो गया। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके मात्रक जो है वो लिखिए, ठीक है, और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से इनकी विमा भी ज्ञात कर सकते हो। कल जो क्लास थी उसके अंदर मैंने कूलाम की विमा के बारे में आपको बताया था, ये मीटर है और ये आपके पास में क्या है न्यूटन है, न्यूटन के बारे में आप सभी जानते हो, m1 l1 p-2 जो है वो इसकी विमा होती है, और ये लंबाई दो बार आई है, और ये आपके पास में क्या है कूलाम स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोग चाहो तो इसकी विमा भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कुछ बातें और करते हो अगले आगे, देखो अपने अब तक पढ़ा है कि f इक्वल 1/4π εϵ0
ये समीकरण 4 लगा देता हूं और ये समीकरण 5 है। तो f इक्वल 1/4π ε0 q1 q2 r2, और इस साइड जो लिखा है f इक्वल k q1 q2 r2, ये भी f का मान है और ये भी f का मान है। अब दोनों में से कोई भी कार्य में ले सकते हो अपने सुविधा अनुसार, न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो अपने ये देखते हैं कि जो भी अपने पास में संख्याएं दी है वो k के मान से कट रही है, जैसे अपने k का मान रखे 9^10^9, उससे यदि 16 हो रहा है तो k को काम में लेंगे, और यदि ε0 मान से 16 हो रहा है तो अपने इसको काम में ले लेते हैं। कुछ एक बातें और बताता हूँ आपको, एप्सिलॉन की जगह अगर माध्यम भरा हो, एप्सिलॉन की जगह यदि क्या हो माध्यम भरा हुआ हो तो एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा, ये माध्यम की विद्युतशीलता होगी, ये क्या होगी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 क्या थी निर्वात की विद्युतशीलता थी, इसको अपने निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। जो अपने पास में एप्सिलॉन लिखा हुआ है इसे अपने क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। यदि एप्सिलॉन 0 है तो निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आए तो माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। दूसरा एक राशि और भी काम में ली जाती है जिसे हमें लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, किसे लिखते हैं एप्सिलॉन आर से, जिसे माध्यम का प्राय रूपांतर बोलते हैं, या आर से अपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो एक राशि और काम में ली जाती है जो क्या होती है एप्सिलॉन आर होती है, इसे हमें क्या बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता, या अपने सीधा सीधा इसे परावैद्युतता भी बोलते हैं, परावैद्युतांक। आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं कि एप्सिलॉन 0 है ये क्या होगी, ये होगी निर्वात की विद्युतशीलता, ये किसकी होगी माध्यम की, इसे अपने क्या बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं, और इसे अपने परावैद्युतांक भी बोलते हैं और अपेक्षित विद्युतशीलता भी बोलते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हो कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का जो अनुपात है उसी को अपने क्या बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं, यानी जो अपने माध्यम की विद्युतशीलता है और जो निर्वात की विद्युतशीलता है उन दोनों के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं। इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के अनुपात को अपने क्या बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं। दूसरा ये विद्युतशीलता ये भी बताती है कि एक तो अपने पास में क्या है निर्वात है, दो आवेश जो है उनके मध्य क्या है निर्वात है, उन दोनों के मध्य क्या लग रहा है बल लग रहा है। अब अपने निर्वात की जगह क्या कर दिया माध्यम कर दिया, तो सीधी सी बात है यदि अपने निर्वात की जगह क्या कर देंगे माध्यम कर देंगे तो उन दोनों के बीच में पहले से बल लग रहा था। जैसे ये मानो इस जगह कोई आवेश Q1 है और इस जगह क्या है आवेश Q2 है, दोनों के मध्य क्या लग रहा है बल लग रहा है, पहले तो क्या है इनके बीच में निर्वात था तो इन दोनों के मध्य बल लग रहा था, अधिकतम मान था उसका। अब क्या हो रहा है अभी क्या रख दिया इसके अंदर मध्य जो है वो माध्यम भर दिया, तो माध्यम भर देंगे तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा उस बल के मान में क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा, वो कितना अंतर आएगा वो अपने किससे पता लगता है एप्सिलॉन आर से पता लगता है, यानी आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन आर इक्वल f0 अपॉन f m। एफ जीरो का मतलब हो गया निर्वात के अंदर लगने वाला बल और एफ एम का मतलब हो गया माध्यम के अंदर लगने वाला बल। थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं मैं इसे आपको, देखो वहां लिखा है मैंने एप्सिलॉन आर इक्वल f0 अपॉन f m, तो एक तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ये देखो ये समीकरण जो अपने को है क्या बता रही है कि निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर का बाहर लगाने पर जो मान आएगा वो किसका मान होगा एफ एम का मान होगा। एफ जीरो का मान सभी को बताएं थोड़ी देर पहले बताएं
क्या होता है निर्वात के लिए 1/4 pi epsilon 0 और q1 q2 upon r square जो यहाँ लिख रखा है वो मान किसके लिए है निर्वात के लिए, ये जीरो अपने निर्वात को दर्शाने के लिए हो रहा है और f m यदि मैं लिखूँ तो क्या होगा 1/4 pi epsilon और यहाँ क्या होगा q1 q2 upon r square ये माध्यम है और ये क्या है निर्वात है। देखो इस समीकरण में दोनों का आदमी को क्या लेना है अनुपात लेना है तो एप्सिलॉन r इक्वल क्या बनेगा ये बनेगा 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square और ये जो टर्म है इसके बाद में अभी आपको बताया कि बाहरी टर्म को ऊपर लेकर के जाते हैं तो वो क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है तो ये आएगा 4 pi epsilon r square बटा q1 q2। देखो q1 q2 एक दूसरे से निरस्त हो गए, r square से r square, 4 pi से 4 pi और epsilon r जो है वो किसके ऊपर बचा है वो बचा है epsilon upon epsilon 0 के। तो epsilon r जो है किसके ऊपर आ गया epsilon upon epsilon 0 के ऊपर आ गया। तो आप लोग यहाँ से चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ से परिभाषा लिख सकते हो। ये जो डेरिवेशन है ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन आर क्या होती है, एप्सिलॉन आर होती है अपेक्षित विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर को ही अपने क्या बोलते हैं परावर्तकांक बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर अपेक्षित विद्युतशीलता या परावर्तकांक किसे कहते हैं एग्जाम में बहुत बार एक नंबर प्रश्न यहाँ से बनता है अपेक्षित विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो आपको बताना है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का अनुपात जो है उसी को अपने क्या कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता बोलते हैं, यानी जो माध्यम की विद्युतशीलता है और जो निर्वात की विद्युतशीलता है दोनों का जो अनुपात आएगा वो किसके इक्वल आएगा वो आएगा अपेक्षित विद्युतशीलता के। ठीक है, यहाँ अगर आप चाहो तो यहाँ से भी परिभाषा लिख सकते हो कि जो निर्वात में बल लगता है जो माध्यम में बल लगता है दोनों के मध्य लगने वाले बलों का यदि अपने अनुपात लें तो किसके इक्वल आता है वो आता है अपेक्षित विद्युतशीलता के। एप्सिलॉन आर के मान भी आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे यदि बात की जाए निर्वात या हवा की तो इसके लिए अपने क्या करते हैं एप्सिलॉन आर का मान 1 लिखते हैं। कुछ ये बातें यह मैं आपको बता देता हूं, देखो एप्सिलॉन आर का जो मान है एप्सिलॉन आर का मान अपने निर्वात के लिए यदि लिखे किसके लिए लिखे निर्वात के लिए यदि लिखे वो कितना होता है 1 होता है, परंतु हवा के लिए यदि अपने इसे लिखे किसके लिए लिखे हवा के लिए लिखे तो ये मान होता है 1.005 लो। तो आप लोग देख सकते हो कि ये लगभग किसके इक्वल है ये लगभग किसके इक्वल है ये लगभग 1 के इक्वल है, इसलिए अपने क्या बोल देते हैं कि निर्वात या हवा दोनों के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है वो कितना होता है 1 होता है। आई बात सुनिए, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि एप्सिलॉन आर का मान निर्वात और हवा दोनों के लिए कितना होता है 1 होता है। आप लोगों को एक ही याद रखना है कि एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1 होता है निर्वात और हवा के लिए, और अगर डिटेल से आप जानना चाहो तो हवा के लिए इसका मान जो है वो होता है 1.005। ठीक है, और लगभग किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। दूसरा आपको एप्सिलॉन आर का मान जो सुचालक होते हैं यानी जो चालक होते हैं अपने पास में उनके लिए भी याद रखना है, और उनके लिए मान कितना होता है ये उनके लिए मान होता है अनंत। ठीक है, उनके लिए मान कितना होता है अनंत होता है, जैसे आपको कोई धातु दे दे तो उसके लिए मान कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर अनंत किसके लिए सुचालकों के लिए, एप्सिलॉन आर का मान 1 किसके लिए निर्वात या हवा के लिए। आगे अपने जो भी पढ़ने वाले हैं उन सबके अंदर अपने क्या बोलेंगे उन सबके अंदर अपने बोलेंगे निर्वात या हवा। जैसे कूलॉम के नियम की बात कर ले तो अपने कूलॉम के नियम को किस प्रकार से लिखेंगे अपने लिखेंगे कि निर्वात या हवा के अंदर स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी वहां भी अपने क्या काम में लेंगे निर्वात या हवा दोनों को एक ही मान करके चलेंगे, परंतु रियल में उन दोनों का मान जो है उनमें थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, अगर आप इसे याद रख दो तो ये देखो ये क्या होता है एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर
हवा के लिए यदि आप बात करना चाहो, जैसे थोड़ा और बताता हूं आपको, जैसे आपके पास में मध्यम के लिए क्या है, फॉर्मूला है, आपके पास में मध्यम के लिए फॉर्मूला है एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। किसके लिए ये मध्यम के लिए, एप्सिलॉन किसके इक्वल, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल, ये दोनों इसके अंदर रख दो, एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर क्यू वन और क्यू टू अपॉन में क्या रहेगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो निर्वात या हवा के लिए मैंने आपको मान बताया कितना होता है एप्सिलॉन आर का, एक होता है, ये मान इसमें रख दो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई, ये अपना फॉर्मूला किसके लिए बन गया, निर्वात या हवा के लिए बन गया। और ये जो अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा है, माध्यम के लिए लिखा है। यहां देखो ये फॉर्मूला किसके लिए है, माध्यम के लिए, पर अगर माध्यम के रूप में अपने पास में क्या हो, निर्वात हो या हवा हो, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, एक होता है। जैसे ही अपने एक या लिखेंगे ये क्या बनेगा, एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी एप्सिलॉन आर के बारे में। अब देखो एप्सिलॉन आर का मान बहुत सारी जो वस्तुएं होती है, दूसरे जो अपने पास में पदार्थ होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उन सबके लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आसूत जल वगैरह होता है, आसूत जल उसके लिए अपने कितना लिखते हैं, 80 लिखते हैं। ऑक्सीजन के लिए अपने कितना लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए अपने 1.0005 3 लिखते हैं। रबर के लिए अपने 7 लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये मान बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पर आपको सभी याद नहीं रखने, आपको एप्सिलॉन आर का मान हवा के लिए याद रखना है और दूसरा आपको सूचालकों के लिए याद रखना है। ठीक है, आपसे एग्जाम में या तो ये पूछ लेगा कि विद्युतशीलता किसे कहते हैं, एप्सिलॉन आर का मान नहीं पूछा जाता कि धातुओं के लिए लिखो या निर्वात के लिए लिखो, एप्सिलॉन आर का मान यदि पूछना होगा तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि आपके पास में दो आवेश है, क्यू वन और क्यू टू आपके पास में क्या है, दो आवेश है, माध्यम के रूप में क्या दिया, कोई सूचालक उनके अंदर उनके मध्य भर दिया, जैसे सोना चांदी लोहा कुछ भी उनके अंदर रख दिया। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपको बोला गया था कि माध्यम के रूप में उनके मध्य क्या भर दिया जाता है, पीतल भर दिया जाता है। तो बताइए लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो वो बल का मान आप लोग आराम से निकाल सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, एप्सिलॉन की जगह फिर आपको क्या रखना होगा, आपको रखना होगा एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर। ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये तो हवा के लिए लिखा है। अगर सूचालक होता तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता, अनंत होता, वो अनंत आप यहां पर रख देते, एफ का मान कितना आ जाता, जीरो आ जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कूलॉम के नियम को लिख सकते हैं। अब कुछ एक बातें आपको बता देता हूं जो आप लोगों को सीधी सीधी याद रखनी है कूलॉम के नियम से। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना और जितनी बातें मैंने बताई है उन सबको अच्छे तरीके से समझ लेना और उसके बाद में जो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो देखो। यदि एग्जाम में आपके आता है कूलॉम का नियम लिखे तो आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि निर्वात में या हवा में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और साथ में लिखकर के आप लोग क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे। ठीक है, फिर हटा दोगे और क्या लगा दोगे, के लगा दोगे। ठीक है, और के का मान आप लोग बता दोगे और के को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो 1/4πε0 एप्सिलॉन जीरो के बारे में बता दोगे, ये होता है। ठीक है, और फिर बता दोगे कि यदि माध्यम होता तो यहां एप्सिलॉन जीरो के जगह क्या आ जाता, एप्सिलॉन आ जाता और कूलॉम का नियम जो है वो कंप्लीट हो जाता। अगर पूछा जाए एप्सिलॉन आर के बारे में तो आप लोग बता दोगे कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का जो अनुपात है उसी को अपने क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। पर यह जरूर ध्यान रखना कि एप्सिलॉन आर को अपेक्षित विद्युतशीलता या परावर्तनांक बोलते हैं और एप्सिलॉन को अपने निरपेक्ष विद्युत
सिलता बोलते हैं। एप्सिलॉन आर का मान वाक्य के लिए, निर्वात के लिए एक याद रखोगे, और अनंत किसके लिए याद रखोगे, सूचालकों के लिए याद रखोगे, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, कुलाम का नियम। अब देखो कुलाम के नियम के बारे में कुछ और बातें। एक तो कुलाम का नियम जो है वो बिंदुवत आदेशों के लिए दिया गया है। कुलाम का नियम जो है वो किसके लिए दिया गया है, बिंदुवत आदेशों के लिए दिया गया है। आप इसे एक प्रकार का ये बोल सकते हो कि ये इसकी एक सीमा है। कुलाम का नियम जो है वो सिर्फ किनके मध्य लगता है, बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। यदि आवेशों का आकार क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो कुलाम का नियम अपने उस जगह लागू नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, कुलाम का जो नियम है, अगली विशेषता की अगर अपने इसे बात करें तो कुलाम का नियम जो है वो 10^-15 मीटर से जो कम दूरियां हैं, 10^-15 मीटर से जो कम दूरियां हैं, उनके लिए कुलाम का नियम जो है वो अपने लागू नहीं कर सकते। आपको पता है कि 10^-15 उस जगह क्या जाता है, परमाणु और परमाणु का नाभिक आ जाता है, ठीक है। और उस जगह कौन से बल लगते हैं, नाभिकीय बल लगते हैं, और नाभिकीय बल जो है वो प्रकृति में सबसे प्रबल बलों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए 10^-15 मीटर से कम दूरी की अगर बात करेंगे तो उस जगह कुलाम का नियम जो है वो अपने लागू नहीं कर सकते। कुछ बातें और, कुलाम का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और किस प्रकार का बल है, ये एक श्रंक्षी बल है, ठीक है। किस प्रकार का बल है, ये एक श्रंक्षी बल है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम के पालन करने का क्या मतलब हुआ, इसका पालन करने का मतलब हुआ कि आप लोगों ने लिखा था एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। तो एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो ये देखो इस जगह आर जो है, आर जो है वो कहां आ रहा है, व्युत्क्रमानुपात में आ रहा है, और आर की स्क्वेयर जो है वो किसमें आ रही है, व्युत्क्रमानुपात के रूप में आ रही है। ये किसका पालन करता है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और किस प्रकार का बल है, श्रंक्षी बल है, ठीक है। तो ये कुछ एक विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक तो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है, दूसरा 10^-15 मीटर से कम दूरियों पर लगता है, तीसरा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, वो आएगा कुलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कुलाम के नियम का सदिश रूप, उसके बाद में अध्यारोपण की बात कर लेंगे, जो बिंदु आवेश होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, कृष्ण आवेश के बारे में बात कर लेंगे, और फिर अपना चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आज के वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो जो अपने पढ़ेंगे उसके अंदर अपने इसके सदिश रूप को पढ़ेंगे। एग्जाम में ज्यादातर सदिश नियम जो है वही पूछा जाता है, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।